बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के फतह 1 MLRS सिस्टम के टेस्ट की जो आज कंडक्ट किया गया। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आर्टिलरी कोर की तरफ से किए गए फतह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के टेस्ट का। फतह 1 बेसिकली एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसका मेन पर्पस इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको हिट करना है, जिसमें इंडिया के जो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब एयर बेसिस हैं, सेकेंडली और सबसे इम्पॉर्टेंटली इंडिया के जो S-400 सैम्स आने जा रहे हैं ये उसके अगेंस्ट डिप्लॉय किया जाएगा। सबसे बड़ी इस सिस्टम की खूबी यह है कि ये एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जहाँ पर एग्जैक्टली आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मन के ठिकानों को हिट कर सकते हैं, और ये बेसिकली कन्वेंशनल वारहेड्स लेके जा सकता है जिसमें डिफरेंट टाइप के कन्वेंशनल वारहेड्स शामिल हैं। और इस सिस्टम की जो रेंज है वो 140 किलोमीटर बताई जाती है, जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज देगा इंडियन आर्टिलरी सिस्टम्स के अगेंस्ट। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़, फतह 1 के बाद फतह 2 भी अंडर डेवलपमेंट है और बहुत जल्द हम उसके टेस्ट को भी देखेंगे और होपफुली वो 200 प्लस किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। शुक्रिया सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखने का। प्लीज़ अपने फीडबैक से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा।